नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम सूर्य के 12वें स्थानों या 12वें भावों में क्या फल मिलता है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। परंतु यह फल सर्वसामान्य है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य यदि उच्च राशि में हो यानी मेष राशि में हो तो वह अच्छा फल देगा, लेकिन अगर वह नीच राशि में हो यानी तुला राशि में हो तो वह अच्छा फल नहीं देगा। साथ ही साथ अगर वह पाप ग्रह के साथ हो या कम डिग्री में हो तो वह अच्छा फल नहीं देगा। आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है इस पर यह फल निर्भर करता है। प्रथम भाव में स्थित सूर्य का फल। आपकी कुंडली में प्रथम भाव में स्थित सूर्य इस बात का संकेत कर रहा है कि आपका स्वभाव स्पष्ट और उदार होगा। आपके छोटे भाई बहन भाग्यशाली होंगे, वो अच्छे मित्रों वाले और पद प्रतिष्ठा वाले होंगे। आपकी माँ धार्मिक विचारों वाली और तीर्थ यात्रा करने वाली होगी। आपके बच्चे की शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, वे दूर विदेश में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सरकार से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। सत्ता से जुड़े शक्तिशाली लोगों के आपके अच्छे रिश्ते रहेंगे। आप अपने पिता का आदर करते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं। आपका जीवन साथी अच्छे खानदान से होगा। आप स्वभाव से ईमानदार और धार्मिक होगे अथवा नैतिकता के दृष्टिकोण से आपका बर्ताव उचित होगा। लेकिन यह स्थित सूर्य आपके स्वभाव में आक्रामकता, कभी कभी विवेकहीनता, आलस्य, श्रमहीनता, घमंड, धैर्यहीनता देता है। हालांकि यह आप में महत्वाकांक्षा और प्रभावशाली उपस्थिति दर्जा कराने के गुण भी देता है। यहाँ स्थित सूर्य आपको तेजस्वी और लंबा तो बनाता है, लेकिन साथ ही गंजापन और दुर्बलता भी दे सकता है और आप सिर या आँखों की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन आपका बाकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हो सकता है कि बालावस्था में स्वास्थ्य कुछ हद तक उदासीन रहेगा। आपकी कुछ कमाई पशुओं के माध्यम से भी हो सकती है और बच्चों की संख्या कम रह सकती है। द्वितीय भाव में स्थित सूर्य का फल। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित सूर्य आपको समृद्धिशाली बना सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हो। अन्यथा इस भाव में स्थित सूर्य धन संचय में परेशानियां उत्पन्न करता है। इस भाव में स्थित सूर्य आपको कई कामों में दक्षता देता है। आप उम्र के साथ साथ आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यदि आपका रुझान चित्रकला की ओर होगा तो इस कला में आप महारत हासिल कर सकते हैं। सूर्य की यह स्थिति स्वयं के अच्छे वाहन होने का संकेत कर रही है। आप सरकार से या सरकारी कामों से धन प्राप्त कर सकते हैं। तांबा, सोना या अन्य धातुओं के व्यापार के माध्यम से भी आप धन कमा सकते हैं। लेकिन यह स्थित सूर्य आपको चेहरे या मुंह के रोग हो सकते हैं। आपको चीज़ों को समझने और अपनी भावनाओं को सही ढंग से औरों के सामने रखने में परेशानी हो सकती है। पारिवारिक संबंधों को लेकर भी मन में असंतोष रह सकता है। आपके ननिहाल लोग, विशेषकर मामा लोग समृद्ध होंगे। यह स्थिति आपकी बेटी के ससुराल पक्ष की खुशहाली की भी संकेत है। यदि आपने खान पान का उचित ध्यान नहीं रखा हो, आपको अपचन और उससे संबंधित कुछ अन्य रोग परेशान कर सकते हैं। आपके बच्चे खुशहाल और अच्छे होंगे, लेकिन मध्यावस्था में जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। तृतीय भाव में स्थित सूर्य का फल। आपके तीसरे भाव में स्थित सूर्य आपके भीतर एक विशेष प्रकार का आकर्षण देगा। आप बड़े पराक्रमी हो सकते हैं और अपने पराक्रम के कारण अपने बहुत से कार्य को परिपूर्णता देंगे। आपकी रुचि ज्योतिष, विज्ञान या गणित विषय में हो सकती है अथवा आपके भीतर कवित्व का गुण पाया जा सकता है।
आपके एक राजमान्य और प्रतापी व्यक्ति हो सकते हैं। आप बलशाली और प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं, लेकिन यह स्थित सूर्य आपके भाइयों की संख्या में कमी दे सकता है। यह स्थित सूर्य आपके भीतर शिक्षा की क्षमता देता है, अतः आप शिक्षा या प्रोफेसर भी बन सकते हैं। यदि आप व्यवसाय के प्रति इच्छुक हैं, तो आप मानसिक कौशल से जुड़े कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर से जुड़े किसी काम का चयन करते हैं, तो वह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ स्थित अकेला सूर्य कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देता। किसी अन्य ग्रहों या योगों के द्वारा पीड़ित होने की अवस्था में यह अपनी कुछ हद तक चरित्र दोष दे सकता है। कुछ बुरी आदतें भी आप में आ सकती है। चोरों का भय अथवा मामा या पड़ोसियों को कुछ कष्ट हो सकता है। कभी कभार अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग कम मिलता है। चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य का फल। यहाँ स्थित सूर्य आपको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बना सकता है, क्योंकि यह आपके भीतर बचत करने की प्रवृत्ति देगा। आप देखने में रूपवान तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ चिंताएं आपको घेरे रह सकती है। यह स्थित सूर्य माता पिता की सेवा से वंचित करवाता है। या तो आप दूर रहने के कारण माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे, या फिर साथ रहकर आपसी मतभेदों से ग्रस्त रह सकते हैं। सूर्य की यह स्थिति भाइयों के आपसी सद्भाव में बाधक बनती है, लेकिन यह स्थिति आपको किसी गुप्त विज्ञा का ज्ञान दे सकती है। हो सकता है कि आप अपनी जन्मभूमि को अधिक महत्व न दे, लेकिन फिर भी आप किसी को हानि पहुंचाने से डरेंगे। आपको सोने चांदी का व्यापार से लाभ मिलेगा। आपकी अधिकतर यात्राएं लाभकारी हो सिद्ध होगी। यदि आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया बनाएंगे या शोध करेंगे, तो यह आपके लिए लाभप्रद होगा। कोई बुरी लत न लगने दे, अन्यथा आपको बुरी लत को छोड़ने में बड़ी कठिनाई होगी। आपका ससुराल पक्ष कुछ हद तक समस्याग्रस्त रह सकता है। आपको भी आंखों से संबंधित परेशानियां को सकती है। आपको चाहिए कि लालच को आने पास भी न फटकाने दे, अन्यथा आर्थिक संकट परेशान कर सकता है।